अरे बच्चों, इस वीडियो में प्लस वन क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज हमें ये दी हुई है, इसकी हमें 20th टर्म निकालनी है। सॉल्यूशन देखें, सीरीज हमें है 2 × 4 प्लस 4 × 6 प्लस 6 × 8 एंड सोन प्लस एन टर्म्स। अगर मैं इसकी nth टर्म निकालूं, nth टर्म an, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2, 4, 6 मीन्स 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3 तो 2 × n, हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2n, और यहाँ पे 2 + 2, 4 + 2, 6 + 2, सो इंटू हो जाएगा 2n + 2। दिस इज अवर nth टर्म। सॉल्व कीजिए इसको, 2n से मल्टीप्लाई करो, 4n² प्लस कितना हो जाएगा 4n। हमने क्या निकालना है 20th सम, सो 820 कितना बन जाएगा, n की वैल्यू 20 पुट कर दीजिए बस, 4 × 20² प्लस 4 × 20, 20² 400, 400 को 4 से करेंगे 1600 प्लस का 80, दैट मीन्स 1680 इज योअर आंसर। बहुत ही आसान सा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 + 7 + 13 + 21 + 31 एंड सोन। अब यहाँ पे ना तो ये AP सीरीज है ना GP, क्योंकि यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का डिफरेंस जो है इंक्रीज हो रहा है, ना AP में आ रहा ना GP में। तो इसका सोल्यूशन देखिए हम कैसे करेंगे। हमने क्या निकालना है, सम निकालना है, S 3 + 7 + 13 + 21 + 31 अप टू एन टर्म्स का निकालना हमने। तो यहाँ पे हमारे पास an-1 टर्म्स होगी और लास्ट वाली हमारे पास से nth टर्म होगी। हमने इनको ऐसे लिख लिया, और इसी को अगर हम ऐसे और लिख सकते हैं, यहाँ से कर दिया मैंने 3 + 7 + 13 + 21 एंड सोन, मतलब एक स्टेप हमने आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, an-2 प्लस an-1 एंड प्लस an, ये हमारे पास सीरीज वही है, सिंपल एक स्टेप आगे करके हमने लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग s - s कैंसल होके क्या हो गया 0, यहाँ पे 3। अब प्लस आपने क्या करना है, इसमें से ये माइनस, 7 - 3 4 हो गया, प्लस का 6 हो गया, प्लस 8 हो गया, प्लस 10 हो गया एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास किस में आ गया, AP में बन रहा है। तो हम कहाँ तक, यहाँ तक लेंगे, यहाँ सबका क्या हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, तो प्लस an-1 - an-2 लास्ट में क्या बनेगा, an-1 एंड लास्ट में जो बची वैल्यू वो हमारे पास क्या होगी, an होगी। अब इस an को माइनस में है, हम यहाँ पे लें, दिस इज an 3 प्लस, ये क्या बन रही है हमारी AP सीरीज है विद फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 4, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 6 - 4 2, ये कॉमन डिफरेंस है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, देखिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे टोटल इतने में से, अगर हम एक छोड़ दें, टोटल इतने में से n टर्म्स में से हमने एक छोड़ दी, तो बची कितनी n-1, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास n-1 हो गया। सॉल्व कर दीजिए फिर AP का सम, n-1/2 फार्मूला यही होता है, n/2 2a + n-1 × d, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है, 2a क्या 4 हो गया, 2a + n-1 सो यहाँ पे हो जाएगा n-2 × d, 2a + n-1 × d n/2, ठीक है, 2a + n-1 × d, d हमारा कितना है
टू हो गया एंड ये इधर हम ले आए हैं. सो nth टर्म इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन अपॉन टू, ये हो गया 8 प्लस का 2n माइनस 4. सो 3 प्लस एन माइनस वन अपॉन टू, एट में से 4, 2n प्लस का 4, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 प्लस एन माइनस वन और ये 2 कॉमन होके n प्लस 4, n प्लस 2 बन रहा है, 2 से 2 कैंसिल होके ये n प्लस 2 बन जाएगा, n प्लस 2. nth टर्म हमारी बन जाएगी 3 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, n स्क्वेयर माइनस n प्लस का 2n एंड माइनस 2. दिस इज nth n स्क्वेयर प्लस n एंड प्लस का 1 हो गया, एन स्क्वेयर प्लस एन प्लस का 1. ये हमारे पास nth टर्म आ गई nth, बट हमें तो क्या निकालना था, सम निकालना था. अब हम निकाल सकते हैं sn जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n ak. 9.4 में हमने किया था, यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वेयर प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n देन k एंड प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू n दिस इज 1. इसको हमने ऐसे सॉल्व करना है, ये वैल्यू क्या बनेगी, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 6 हो गया. ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और 1 1 को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, n हो गया. अब sn, n तो हमने क्या ले लिया, कॉमन ही ले लेते हैं हम, n हमारा कॉमन हो गया, इन सब का एलसीएम हो गया हमारा 6. इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2n स्क्वेयर n प्लस 2n मीन्स 3n एंड प्लस का 1 हो गया, 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई होगा सो 3n प्लस का 3 एंड प्लस n बाहर आ गया था, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. सो n इंटू 2n स्क्वेयर प्लस 6n प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6, 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा n इंटू एन स्क्वेयर प्लस का 3n प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 3. दिस इज योअर sn, सम ऑफ n टर्म्स आपका ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 24, इफ s1 s2 s3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर their squares and their cubes respectively, show that 9s2 square is equal to s3 into 1 plus 8s1. given kya hai hame, given s1 sum of first n natural numbers means 1 plus 2 plus 3 plus up to n tak, inka sum ka formula hum jante hain kya hota hai, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इनका स्क्वेयर्स उसको हमने s2 से डिनोट किया है, उनका क्या था फार्मूला, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. ठीक है, सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स. और अगर क्यूब था तो क्यूब का क्या था, इनका स्क्वेयर मीन्स n स्क्वेयर n प्लस 1 का स्क्वेयर अपॉन 4. ये हमें वैल्यू गिवन है, हमने प्रूव करना है. ये क्या प्रूव करना है हमने, मैं राइट हैंड साइड ले लूँ, राइट हैंड साइड में हमारे पास है s3 1 प्लस 8 ऑफ s1 s3, दिस इज n स्क्वेयर n प्लस 1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 प्लस 8 s1 8n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. दिस इज एन स्क्वेयर एन प्लस 1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, इसको चेक करें ये बन जाएगा 1 प्लस 4 एन स्क्वेयर एन प्लस का
4n, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ये कैसे लिखा जा सकता है, n स्क्वेयर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4, और इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 2n का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, यही बन रहा है। अब ये सारे स्क्वेयर में हैं तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और पूरे का स्क्वेयर, ठीक है, सभी स्क्वेयर्स में आके। लेकिन ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो हमारे पास 4 n इंटू एन प्लस 1, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 6 आना चाहिए, 9s2 स्क्वेयर हमें ये चाहिए है, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इनको सोल्व करने के बाद राइट हैंड साइड हमारी ये है। अब लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि इसके इक्वल करना हमने, सो 9 इंटू s2 स्क्वेयर, 9 इंटू इसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 द होल स्क्वेयर, ठीक है, 9 क्या n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, इसका तो हमने स्क्वेयर कर लिया, एन डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वेयर करोगे तो कितना हो जाएगा, 36, 9 से कैंसिल करेंगे कितना हो गया 4, तो वही चीज़ आ रही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 द होल स्क्वेयर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। चलिए अब इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।